वरुण के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें फिर से तेज। यूपी कांग्रेस के लिए वरुण हो सकते हैं ब्रह्मास्त्र। 2024 चुनाव में कांग्रेस की हो सकती है बल्ले बल्ले। बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपनी ही पार्टी की नीतियों को लेकर हमलावर रहे हैं, कांग्रेस के प्रति अपना प्यार दिखा रहे थे। कयास लग रहा था वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया था। वरुण गांधी के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। राहुल गांधी के इस बयान से आम कांग्रेसी कार्यकर्ता मायूस हो गया। आम कार्यकर्ता की चाहत है कि वरुण गांधी कांग्रेस में आ जाएं, जिससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। यह सच भी है कि वरुण गांधी जैसे आक्रामक ओजस्वी तेजतर्रार नेता की जरूरत कांग्रेस को है। एक बार फिर से वरुण गांधी की कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। वरुण गांधी कांग्रेस के लिए हो सकते हैं ब्रह्मास्त्र। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को वरुण गांधी की सख्त दरकार। राहुल गांधी के नो एंट्री बोर्ड लगाने के बाद भी वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें क्यों हो रही है तेज? क्यों कांग्रेस को वरुण गांधी की है सख्त दरकार? वरुण गांधी की कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को कितना फायदा पहुंचेगा? इन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस बात में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं कि बीजेपी सांसद रहते हुए वरुण गांधी ने जिस जोरदार तरीके से आक्रामकता के साथ मोदी सरकार की नीतियों की बखिया उधेड़ी है, कांग्रेस का कोई भी नेता ऐसा नहीं कर पाया, चाहे वो राहुल गांधी ही क्यों ना हो। वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें फिर से तेज हो गई हैं। कांग्रेस को वरुण गांधी की सख्त जरूरत क्यों है? पहला कारण, तराई बेल्ट में कद्दावर नेता की कमी। यूपी के तराई बेल्ट में कांग्रेस के पास पहले जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह जैसे कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन 2022 के चुनाव से पहले दोनों बीजेपी में शामिल हो गए। यूपी के तराई क्षेत्र में लखीमपुर खीरी, पीलीभगत, सुल्तानपुर, कुशीनगर आदि जिले आते हैं। वरुण गांधी पीलीभगत और सुल्तानपुर से सांसद रह चुके हैं। ऐसे में वरुण अगर कांग्रेस में आते हैं तो इसका फायदा पार्टी को तराई इलाकों में मिल सकता है। वरुण की मां मेनका गांधी पंजाबी हैं, जिसकी आबादी तराई इलाकों में काफी ज्यादा है। दूसरा कारण, युवा और किसानों के बीच काफी लोकप्रिय। सोशल मीडिया पर अपनी सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाने की वजह से वरुण गांधी किसानों और युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हैं। वरुण गांधी तेजतर्रार भाषण देने की वजह से भी चर्चा में रहते हैं। ऐसे में वरुण अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो पार्टी वरुण का उपयोग स्टार प्रचारक के रूप में भी कर सकती है। दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। राजनीतिक गलियारों में हमेशा यह कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस वक्त काफी कमजोर है। आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद जैसे दिग्गज नेता कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वरुण गांधी की कर्मभूमि उत्तर प्रदेश रही है। उत्तर प्रदेश के ही पीलीभगत, सुल्तानपुर से लगातार सांसद रहे हैं। प्रियंका गांधी के साथ मिलकर वरुण गांधी उत्तर प्रदेश में कुछ कमाल कर सकते हैं। यही वजह है कि वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें फिर से तेज हो गई है।